हेलो दोस्तों, आज हम टालकट पार्सन्स के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है सिलेबस में वो है एक्शन सिस्टम्स। एक्शन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। कल सोशल सिस्टम वैसे मेंशन है तो, लेकिन मैं पहले चाहूंगा थोड़ा सा बताना है एक्शन सिस्टम्स के बारे में। तो कल हमने बात की थी किसकी, अपने टोटल जो पार्सन्स की हमने कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू किया था, पार्सन्स है क्या, कि पार्सन्स किस तरह से चीजें इमेजिन करते हैं, एंड हमने सोशल एक्शन पढ़ा। ठीक है, सोशल एक्शन के हमने बहुत डिटेल में जाके देखा कि सोशल एक्शन को पार्सन्स की कौन सी किताब में लिखा उन्होंने, एंड देन सोशल एक्शन के बारे में हमने जाना कि किस तरह से पार्सन्स कहते हैं कि कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं कि चार जो होनी चाहिए चीजें, कि बायोलॉजिकल जो उन्होंने चीज ऐड करी है ना, कि एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी भी होती है कि आप कितनी एनर्जी स्पेंड करते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑरियंटेशन के बारे में बताया हमें, मोटिवेशनल ऑरियंटेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चल रहा था उसके, उसमें जब जब द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है दो ऑरियंटेशन के बीच में, मोटिवेशन वैल्यू के बीच में, तो पैटर्न वेरिएबल्स निकलते हैं। अगर एक पैटर्न वेरिएबल आपको दिखा रहे हैं कि आप समाज से बहुत ड्रिवन हो, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के बात कर रहे थे, एंड अडाप्ट को, याद है कीवर्ड अडाप्ट को, और दूसरे जो पैटर्न वेरिएबल्स का दूसरा एंड है वो हमें क्या बताता है कि किस तरह से आप इंडिविजुअलिस्टिक हो या मॉडर्न सोसाइटी की तरफ हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम पेपर टू में भी यूज करेंगे, देखना कैसे। ठीक है, अडाप्ट को याद रखना बस, दैट्स इट। आज हम बात करेंगे एक्शन सिस्टम्स की। पार्सन से अपनी अगली किताब में लिखते हैं कि एक्शन सिस्टम के बारे में एक लाइन लिखते हैं कि कोई भी सोशल एक्शन अकेला नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि पड़ा हुआ कहीं आइसोलेशन में कहीं पड़ा हुआ है, दे अकर इन कॉन्स्टलेशंस, कि ग्रुप्स में, गुच्छों में होते हैं एक्शंस। ठीक है, एक एक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होगा, कॉन्स्टलेशंस में होगा, ग्रुप्स में होंगे एंड बंचेस में होंगे। तो इसीलिए कहते हैं उन सब एक्शंस को जब इकट्ठे दिखते हैं, जब हमें जैसे स्टार्स होते हैं ना, इकट्ठे कॉन्स्टलेशन में बैठे होते हैं, अकेला स्टार कहते कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे स्टार्स हमेशा ही आसपास दिखते हैं हमें आसमान में, कॉन्स्टलेशन में दिखते हैं। ऐसे पार्सन दिखते हैं कि एक्शंस भी कॉन्स्टलेशन में दिखते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन सिस्टम। अब एक्शन सिस्टम को वो कह रहे हैं कि एक किसी भी रियलिटी को, किसी भी आप सिचुएशन को चार तरह के आप एक्शन सिस्टम्स में देख सकते हो, जिसमें से एक हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, और चार तरह से देख सकते हो, जिसका हमने कीवर्ड भी क्या बनाया हुआ है, सीएसपीओ। सीएसपीओ कीवर्ड है, जैसे क्या, ये ऑर्डर में याद करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे क्योंकि किस तरह से ये सीएसपीओ का ही यूज होता रहेगा बार बार। पहला है कल्चरल सिस्टम, सी से। कल्चरल सिस्टम मतलब जो वो वाला सिस्टम जो आपके एक्शंस का वो वाला एस्पेक्ट जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज दे रहा है कि किस तरह से बात करनी है। लेट्स से जब आप बात करते हो अपने फादर से, अलग तरह से बात करते हो, जब आप बात करते हो अपने छोटे भाई से, अलग तरह बात करते हो, जब बात करते हो अपने दोस्त से, अलग तरह, क्योंकि नॉर्म्स एंड वैल्यूज या बेसिक गाइडलाइंस बहुत वेरी करती हैं, है ना। ये गाइडलाइंस ऐसे बोलते हैं ना कि फादर से रिस्पेक्टफुली बात करनी है, छोटे भाई से आप थोड़ा सा उसको तू तू वगैरह बोल सकते हो, फादर को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू सिस्टम कहां से आ रहा है, ये कल्चर बता रहा है हमें। एंड लेट्स से इमेजिन करो हमारे यहाँ टीचर्स होते हैं, टीचर्स को हम कितना रिस्पेक्टफुली बोलते हैं इंडिया में, लेकिन आप अगर आप इंग्लिश मूवीज देखो वहां पे टीचर्स को उनके सरनेम से बुला लेते हैं, वो मिस्टर एंडरसन, मिस्टर जैक्सन, है ना, ऐसे बुला लेते हैं। तो कल्चरल सिस्टम ही है वो, बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज या बेसिक गाइडलाइंस बता रहा है हमें। अगला हमारा आस्पेक्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या होता है कि किस तरह से जो वेरियस यूनिट्स हैं हमारी सोसाइटी की वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। लेट्स से किस तरह फैमिली इंटरैक्ट कर रही है विद अनदर फैमिली, या फिर उसके बाद लेट्स से पॉलिटिकल, जो हमारे पॉलिटिकल जो पूरी यूनिट है, पार्टीज वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो, नेता लोग, वो किस तरह से इस तरह से बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कि हमारे एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करें, ग्रुप को इंपैक्ट करें, कास्ट को इंपैक्ट करें, एटसेट्रा। एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप को कैसे इंटरेक्ट करता है वो सोशल सिस्टम बताएगा। ठीक है, एंड ये वेरी करेगा अगेन सोसाइटी टू सोसाइटी, ये पार्सन इस पर अग्री करते हैं। एंड देन कम्स पी से, पर्सनैलिटी सिस्टम। पर्सनैलिटी सिस्टम मतलब क्या कहते हैं, ये हिडन एस्पेक्ट है, ये इंटरनल एस्पेक्ट है। इस पर थोड़ा सा प्लीज आप यहां पे ना जो अपना गौर फरमाइएगा कि हिडन या इंटरनल एस्पेक्ट की बात हो रही है, कि जो इंटरनली चल रहे हैं हर एक सिस्टम में है, ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, हर एक सिस्टम में इमोशंस, टेंशंस, स्ट्रेस, एस्पिरेशन, ये हर जगह हर सिस्टम में ही है, पार्सन ऐसा मानते हैं, और इनको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। अगर पर्सनालिटी सिस्टम मैनेज नहीं होगा तो इंटरनली सिस्टम वीक हो जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो एक फैमिली में भी टेंशन हो सकती है, उसको इंटरनली कैसे सुलझाया जाए, कभी मदर का रोल आता है उसमें सुलझाने के लिए। आप इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी टेंशन आ सकती है, इंटरनल एस्पेक्ट में इमोशंस फ्लो कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, पढ़ते हो ना एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस या वर्क कल्चर एटसेट्रा। तो
वो है सब पर्सनालिटी सिस्टम के पार्ट, एंड देन ओ से आता है ऑर्गेनिज्मिक। ऑर्गेनिज्मिक का मतलब ये अगेन मैं अगेन बता रहा हूँ पार्सन्स का थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ जो थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। तो पार्सन्स क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्मिक जो सिस्टम क्या होता है वो वाला एस्पेक्ट जो एनर्जी अवेलेबल कराएगा। कहते कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी के काम ही नहीं कर सकता, जो सिस्टम एनर्जी आपको अवेलेबल कराए वो ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम कहलाता है। एक अगर फैमिली में इमेजिन करो जो फादर का रोल है, जो स्टैंडर्ड अज्यूम कर रहा हूं मैं, जैसे फादर मदर दोनों जॉब करते हैं, लेकिन मेजरली देखा गया पैट्रियार्कल सिस्टम जिसे हमारे आसपास होते हैं वहां पर पिताजी ही हैं जो बाहर जाके जॉब करते हैं पैसे कमाते हैं एंड फैमिली रन करने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कहते पार्सन्स बोलते हैं कि किसी भी रियलिटी को, किसी भी सिस्टम को, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप ये चार एस्पेक्ट्स पे स्टडी कर सकते हो। सीएसपीओ कल्चरल जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज देंगे, ठीक है, कल्चर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, सोशल की कैसे इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन कैसे आप जो फैसिलिटेट करवा रहे हो, पर्सनैलिटी है हिडन या इंटरनल एस्पेक्ट जो कि इमोशंस टेंशन वगैरह की बात करेगा, एंड देन कम्स ऑर्गेनिज्मिक जो कि आपको बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या फिर एनर्जी अवेलेबल कराने वाली चीज की बात हो रही है जो सिस्टम को चलाए रखेगी। ठीक है, तो ये सीएसपी मत भूलना और इसके साथ जुड़ी हुई जो आपको अंडरस्टैंडिंग है वो भी यहां पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं सोशल सिस्टम जो हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है, सोशल सिस्टम को कैसे इमेजिन करो। पार्सन्स बोल रहे हैं कि हर एक सिस्टम को आप फर्दर तोड़ सकते हो। सीएसपीओ में लेट्स से जैसे एस पढ़ा आपने, एस को आप फर्दर तोड़ सकते हो, एस को फर्दर तोड़ोगे तो सीएसपीओ फिर निकलाएगा, उसको आगे आगे तोड़ सकते हो। इसीलिए पार्सन्स को बोला गया, बहुत ही वेग थिंकर भी माना गया, कि आप सीएसपीओ में लेट्स से हमने जो पढ़ा सीएसपीओ, इसको आपने फर्दर तोड़ दिया सीएसपीओ में, पार्सन्स बोलते हैं इसको आगे फर्दर तोड़ सकते हो आप। वो कह रहे हैं कि अच्छा जी, तो कहते कहां पे कैसे पिन पॉइंट करेंगे। पार्सन्स बोलते हैं वो तो एक रिसर्चर पे डिपेंड करेगा कैसे पिन पॉइंट करेगा। यहां पे हम ट्राई करते हैं कि कैसे सोशल सिस्टम को कैसे पार्सन्स ने इमेजिन किया। तो वो बोल रहे हैं कि सोशल सिस्टम कब फॉर्म होता है, व्हेन डज अ सोशल सिस्टम फॉर्म, ये थोड़ा सवाल है कि सोशल सिस्टम बनता कैसे है। ठीक है, व्हेन डज अ सोशल सिस्टम फॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या बोलते हैं, वो सोशल सिस्टम बनने के लिए दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल चाहिए। ये पहली कंडीशन है, दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल चाहिए सोशल इंटरेक्शन में। ठीक है, इंटरेक्ट करते हो। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार पॉइंट पहले आपने पढ़े थे ना जो एक्शन के लिए, जो व्हाट इज अ सोशल एक्शन, सोशल एक्शन से मिलते जुलते ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको अलग डिस्टिंक्ट वर्ड्स में लिखना पड़ेगा ताकि लगे कि सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम आर डिफरेंट एंड सेपरेट थिंग्स, क्योंकि है भी, है ना, ये है भी। पहला है कि दो या उससे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हो, देन कोई कलेक्टिव गोल अचीव करना हो, कहते बिना बात के बैठ अगर वहां पे कोई गोल अचीव नहीं हो रहा तो वो सोशल सिस्टम का पार्ट नहीं है। कुछ भी गोल हो सकता है कि आपने अपनी कोई बात बतानी है किसी को या फिर अपनी कोई मैसेज कन्वे करना है, कुछ भी हो सकता है गोल, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ठीक है, या फिर लेट्स से बड़े से बड़ा गोल क्या होगा कि आप ऐसे एक रेवोल्यूशनरी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो जहां पे आप लोगों को कुछ एजेंडा समझा रहे हो, कोई ना कोई गोल तो होगा। एंड देन उसके बाद है कंसेंसस। पार्सन्स के साथ कंसेंसस वर्ड हमेशा ही जुड़ा रहेगा, हमने पहले भी पढ़ा था ये अपने कौन से चैप्टर में, पॉलिटिक्स के चैप्टर में, स्ट्रैटिफिकेशन के चैप्टर में भी थोड़ा सा हमने हिंट लिया था इसका। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि पार्सन्स हमेशा बोलते हैं कि सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता, सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता अगर कंसेंसस नहीं होगा सभी में, अगर एक मत नहीं होगा। तो कहते अदरवाइज एक मत नहीं होगा सिस्टम टूट जाएगा, सिस्टम में क्या हिडन एस्पेक्ट विल टेक ओवर एंड लेटेंसी आ जाएगी, एंड हिडन एस्पेक्ट जब आ जाएगा तो टेंशन आ जाएगी, टेंशन मैनेज नहीं हुई तो सिस्टम टूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं टेंशन मैनेज करने के वक्त क्या करते हो आप, कंसेंसस लेकर आते हो कि रोल एक्सपेक्टेशन। इमेजिन करो एक फैमिली, फैमिली में फादर को कुछ रोल इमेजिन है, उसको पता है फादर ने क्या करना है, मदर को पता है कि उसने क्या करना है। लेट्स से अगर बहुत ही स्टैंडर्ड क्लीशेड फैमिली की बात करें हम, तो फादर को जैसे पैसे कमा के लाने, मदर को लेट्स से बच्चों को पालना है और खाना बनाना है, बच्चों का क्या काम है लेट्स से पढ़ाई करना एक्सेट्रा। तो रोल एक्सपेक्टेशंस पे काफी कंसेंसस बन चुका है, ऐसा नहीं है ना कि उल्टा हो गया कि फादर कह रहे हैं मैं पढ़ूंगा और मदर कह रहे हैं कि मैं खेलूंगी एंड बच्चे कह रहे हैं हम खाना पकाएंगे, ऐसा नहीं है, कंसेंसस बन चुका है रोल एक्सपेक्टेशंस पे। पार्सन्स भी इसी पे ही जोर देते हैं कि कंसेंसस बन जाता है उसके आगे ही सोशल सिस्टम चलते रहते हैं। एंड देन ये बहुत ही एक थोड़ा यूनिक पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो भी कोई इंटरेक्शन होगी वो अपने आसपास एक एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री बना लेगी। ये थोड़ा सा पार्सन्स का यूनिक एक पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री, आपने इमेजिन करो कि जैसे चार दोस्त जब खड़े होकर आप बातें कर रहे होते हो, आप कुछ पर्टिकुलर लेट्स से टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो कोई पांचवा जनरली उसमें जब आपने लेट्स से आपने चार लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हो और
कोई बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पांचवा बंदा आता है वो थोड़ा सा पराया पराया फील करता है, उसको लगता नहीं है कि मैंने एकदम से ग्रुप का पार्ट बन पाया, कि जो क्या बात कर रहे थे उसमें एकदम से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। क्योंकि पार्सन्स क्या बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम जब चल रहा होता है तो एक एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री बन जाती है उसके आसपास। तो ऐसे बाउंड्री दिखने को ऐसे कोई हमने कोई तारे नहीं लगा दी या फिर हमने कोई ऐसे बाड़ नहीं लगा दी, तो लेकिन हाँ एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री जिसको बाकी लोग उसमें एंटर करने से डरते हैं, कि बाकी लोग उसमें एंटर करने से हिचकते हैं, तो यही एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री की बात कर रहे हैं वो, कहते हैं। और जब तक सिस्टम ऐसे एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री नहीं बनाएगा सिस्टम लूज रहेगा, सिस्टम में कोई भी आएगा जाएगा एंड सिस्टम विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो ये चार पॉइंट याद रखना कि सोशल सिस्टम कैसे बनता है। पहले दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल होने चाहिए सोशल इंटरेक्शन में, देन कोई कलेक्टिव गोल होना चाहिए जिसमें आपके इंडिविजुअल की कोई मोटिवेशंस हो, कोई वैल्यू ऑफ सोसाइटी पूरी होती हो, कुछ भी होता हो, कोई गोल होना चाहिए, देन कंसेंसस होना चाहिए रोल एक्सपेक्टेशन पे, और देन इंटरेक्शन के आसपास एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री होनी चाहिए, तो ही सोशल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, चार पॉइंट याद रखना, बिल्कुल जैसे मर्जी का कोई गाना बनाओ कुछ भी करो, ये एग्जैक्ट ही सेम पॉइंट आने चाहिए पेपर में। ठीक, आगे तो अब जो पार्सन से सवाल पूछा गया कि सोशल सिस्टम का फंक्शनल एनालिसिस आपको पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये दो सवालों पे बेस्ड है, ये दो सवाल आपको यूपीएससी अलग अलग तरह से पूछता है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है इसकी कि क्या पूछना चाहता है यूपीएससी। पहला वो सवाल पूछते हैं कि सिस्टम सर्वाइव कैसे करता है, हाउ द सिस्टम सर्वाइव्स, कि हो क्या रहा है, सिस्टम सर्वाइव कैसे कर रहा है। उसके लिए पार्सन ने क्या बताया हमें, मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज, मैकेनिज्म ये इसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ है कहीं की जगह, जैसे मर्जी देख लेना आपको पेपर में, अगर लेट से ये वाला आ जाए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फेज तो भी एक ही बात है मैकेनिज्म। ठीक है, वेरियस बुक्स में अलग तरह दिया हुआ है, इंटरनेट पे भी बहुत वेरिएशन है। तो पार्सन्स की जो हम बुक में ढूंढने की ट्राई कर रहे थे, हमें एग्जैक्ट पार्सन्स की बुक में ये वर्ड हमें ऐसे मैकेनिकल या मैकेनिज्म में इंटरचेंजेबली ही मिला, तो इवन वी आर नॉट श्योर, तो जो भी पेपर में हमें तो आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज, तो पार्सन इसमें क्या कहना चाहते हैं कि सिस्टम, आप बस बात समझो वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिस्टम सर्वाइव कैसे करता है, कि जैसे लेट्स से सदियों से आप इमेजिन करो कि लेट्स से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई आज से 2000 साल पहले, तो क्रिश्चियनिटी आज तक सर्वाइव कर रही है, लेकिन रास्ते में कितने सारे, और लेट्स से इमेजिन करो अशोका के पहले एक देयर वाज अ सेक्ट कॉल्ड अजीविका, अजीविका आज सर्वाइव नहीं करता, क्या कारण है। पार्सन पूछते हैं कुछ चीज़ें सर्वाइव करती हैं कुछ चीज़ें सर्वाइव नहीं करती। ठीक है, तो पार्सन बोल रहा है कि मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज इसको एक्सप्लेन करता है, ये कौन सी किताब में लिखा उन्होंने, सोसा में लिखा, एसएस हमने याद किया था, दो बुक्स हैं सोसा एंड एसएस, तो यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे सर्वाइव करता है। वो कह रहे हैं सिस्टम की टेंडेंसी है एक नया इक्विलिब्रियम बना देने की। ठीक है, नया मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा अभी कैसे नया इक्विलिब्रियम बना देने की। जैसे एग्जाम्पल लो कि नॉर्मल पहले इंटरनेट हुआ करता है ना, जैसे बिल्कुल 90s में इंटरनेट जब लॉन्च हुआ दुनिया में आजाद हुआ, उसके बाद नॉर्मल इंटरनेट हुआ करता है, लेकिन नॉर्मल इंटरनेट में हुआ क्या, फिर लोग ऐसे मान लो सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर देन केम साइबर क्राइम, साइबर क्राइम आ गया कि लोगों को लेट से ऑनलाइन स्टॉकिंग शुरू हुई, किसी के पैसे चुरा लिए गए, कुछ भी हुआ, अब पता नहीं था सिस्टम को सिस्टम कैसे रिएक्ट करे, अदरवाइज सिस्टम यहां पे बिखर जाता, खत्म हो जाता, लेकिन सिस्टम कैसे सर्वाइव किया, साइबर लॉज बना दिए गए, साइबर लॉज, कि साइबर लॉज जब बन गए तो वहां पर साइबर लॉज ने साइबर क्राइम को रोकने की ट्राई करी, सिस्टम को वापस सर्वाइवल की तरफ ले आया एंड सिस्टम अब किस पे पहुंच गया, एक नए इक्विलिब्रियम पे। पार्सन्स यही बोलते हैं न्यू इक्विलिब्रियम में सिस्टम पहुंच जाएगा। जैसे यहां पे आप देखो कि कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म था, ये डायग्राम पेपर में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो एग्जैक्टली, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म था जो कोई नीड्स पूरी करता है किसी सिस्टम की, इंसान की, किसी सोसाइटी की, कुछ भी कोई नीड पूरी करता है एंड इससे इक्विलिब्रियम बना हुआ था। अब हुआ क्या, यहां पर पर्टिकुलरली हुआ क्या, कोई सर्टन डिस्टर्बेंस केम, कोई डिस्टर्बेंस आई जिससे सिस्टम टूट सकता है, डिस्टर्बेंस केम, इससे हुआ क्या, फिर फीडबैक वो जनरेटेड, ये पक्का लिख लेना आप। ठीक है, फीडबैक वॉज जनरेटेड, फीडबैक दिया तो यहां पर स्पेसिफिक मैकेनिज्म फिर से लॉन्च हो गया एंड यहां पर लिख सकते हो आप न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम रीच्ड, नया इक्विलिब्रियम आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम। कोई मैकेनिज्म जैसे एग्जांपल अपने साइबर लॉ को वापस देते हैं, साइबर लॉ हुआ करता है, सॉरी साइबर सिंपल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, शुरू किया उसमें साइबर और कुछ को नीड पूरी कर रहा है वो, हाँ, और उससे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। देन डिस्टर्बेंस क्या आई कि साइबर क्राइम हुआ, साइबर क्राइम का फीडबैक गया तो उसके फीडबैक गया कि भाई साइबर क्राइम आ गया, सिस्टम टूट सकता है, उसके कारण एक नया एक मैकेनिज्म आ गया, कौन सा, साइबर लॉज का, साइबर क्राइम को टैकल करने के साइबर लॉज, नया इक्विलिब्रियम रीच, सिस्टम फिर से सर्वाइव कर रहा है। तो ये पहला सवाल आपका हो गया आंसर कि हाउ अ सिस्टम सर्वाइव्स, कि वो कह रहे हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम, कि इसको मूविंग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं वैसे। ठीक है, आप ये बात दो तीन वर्ड्स हैं साथ में कहीं नोट्स में स्क्रिबल्ड रखो, इसको मूविंग इक्विलिब्रियम फेज भी कहा जाता है पार्सन्स का, कि इक्विलिब्रियम वो है ही नहीं,
ये मूव करता रहता है, मूविंग इक्विलिब्रियम, कि एक इक्विलिब्रियम था कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आई, फीडबैक गया, अगला इक्विलिब्रियम आ गया, तो बस सिस्टम एक बना रहेगा इक्विलिब्रियम में और जो बैलेंस आउट रहेगा सर्वाइव कर, अगर ऐसा कर पाया तो। लेट से अगर फीडबैक इफेक्ट नहीं आ रहा तो सिस्टम विल क्रम्बल, सिस्टम विल गो, और उस वक्त ही जैसे पार्सल यही बोलते हैं कि दैट इज द ओनली रीजन, जब फीडबैक इफेक्ट नहीं आ पाता जिस भी सिस्टम में, तो सिस्टम टूट जाते हैं, सिस्टम चले जाते हैं। तो जहां पे फीडबैक इफेक्ट आएगा और सिस्टम को जो फिर से रिस्टोर कर देगा वो इक्विलिब्रियम, नए इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है, हमेशा ये पेपर में सवाल जो उसमें पूछ चुके हैं ये जो शॉर्ट नोट्स में। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्सन्स को पूछते हैं कि आप बताइए कि जो पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम है कौन से फंक्शन फुलफिल करता है। पहले हमने देखा कि पार्सन से पूछते हैं कि कौन से जो फंक्शंस, जो सॉरी हाउ अ सिस्टम सर्वाइव्स, सिस्टम सर्वाइव कैसे करता है, कुछ टूट गए कुछ रह गए कैसे पता लगेगा। पार्सन ने समझाया हमें कि इक्विलिब्रियम है, जो फीडबैक दे पाएगा वो बच जाएगा। देन पार्सन से पूछा गया कि अच्छा तो ठीक है, जो सिस्टम बच गए या जो भी सिस्टम बन जाते हैं वो क्या क्या फंक्शन पूरे करते हैं। पार्सन कहते हैं मैं आपको अकेडमिकली बताऊंगा ये भी कि कौन से फंक्शन एक सिस्टम करता है। तो इसीलिए पार्सन्स को क्या बोलते हैं, रिक्विजिट फंक्शनलिज्म फेज। ये पेपर में एग्जैक्ट वर्ड लिख के भी पूछा गया है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है, यही वाला रिक्विजिट फंक्शनलिज्म फेज। ठीक है, पार्सन्स ने एक बहुत ही अकेडमिक एक थिंकर है, इसलिए पार्सन्स एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं, आपको भी एग्जैक्ट वर्ड ही यूज करने चाहिए। ठीक है, और तो इसको अपनी कौन सी किताब में लिखते हैं, एसएस में, सोशल सिस्टम में बताते हैं वो हमें कि रिक्विजिट फंक्शनलिज्म फेज। इसमें पार्सन्स बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम है दुनिया में, कोई भी सिस्टम, वो जब तक ये चार फंक्शन, चार जो फंक्शन आपको बताऊंगा जो इसको रिक्विजिट्स बोलता है, कहता है इसको ये मस्ट है किसी भी सिस्टम के सर्वाइवल के लिए, कहता जब तक ये पूरा नहीं कर रहा कोई भी सिस्टम विल नॉट सर्वाइव। ये चारों में से एक भी जाएगा सिस्टम जाएगा। ठीक है, पार्सन्स बोलते हैं दीज आर फंक्शनल रिक्विजिट्स, ये फंक्शनल रिक्विजिट्स हैं, ये वाला इसलिए रिक्विजिट फंक्शनलिज्म फेज नाम पड़ा। रिक्विजिट मतलब रिक्वायरमेंट है, मस्ट है ये सिस्टम के सर्वाइवल के लिए, एक भी गया इसमें से सिस्टम सर्वाइव नहीं करता। ठीक है, ओके, तो ये कौन से हैं, ये AGIL मॉडल के नाम से फेमस हुआ, AGIL मॉडल, ये AGIL पार्सन्स की किताब में भी लिखा हुआ है AGIL, और ये आपको पेपर में डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं AGIL बता दीजिए क्या होता है। तो AGIL आपने बताना है कि ये वो चार सिस्टम, ये वो चार चीजें हैं जो फंक्शनल रिक्विजिट्स हैं, जिनके कारण अगर ये अगर नहीं होंगी तो फंक्शन सर्वाइव नहीं करेगा। तो पहली ए से क्या होती है, अडाप्टेशन, कि ये बोलता है कि अडाप्टेशन का मतलब कि रिसोर्स जनरेट करना, कहता है जब तक सिस्टम रिसोर्स जनरेट नहीं करेगा, जो जनरेट करना उसको फिर एक्वायर करना फिर डिस्ट्रीब्यूट करना अपने मेंबर्स में, जब तक ऐसा रिसोर्सेज का ऐसा नहीं हो रहा तो तब तक सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। अडाप्टेशन इकोनॉमिक सिस्टम, एक फैमिली में ये काम कौन करता है, फादर, फादर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसलिए फैमिली सर्वाइव कर रही है। मान लो फादर काम करना बंद कर दें तो होता है सिस्टम, सिस्टम स्टार्ट्स टू कोलैप्स, फैमिली टूट जाती है, बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, जॉब बच्चों को जो एजुकेशन छूट जाती है, कोई कोई बच्चा कहीं पर चला गया कहीं चला गया, ब्रोकन फैमिलीज इस तरह से इमर्ज होती हैं, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी गई हैं कंसेंसस से बनाई गई वो पूरी नहीं होती, फैमिलीज दे बिगिन टू ब्रेक, है ना। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स ही कोट करने एग्जाम में आपने, अडाप्टेशन का मतलब जनरेशन, एक और एक पूरी हमारी सोसाइटी में देखें ये कौन कर रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम कर रहा है हम सबके लिए। इग्नू से हम उठा रहे हैं क्योंकि जो एक और हमने ऑनलाइन रिसोर्स देखा वहां पे, ऑनलाइन रिसोर्स में यहां पे एक दो आगे डिस्क्रिपेंसी आएंगी, एक दो जो दिल्ली में जो रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं वहां पर भी डिस्क्रिपेंसी है, हम तो लेकिन इग्नू फॉलो कर रहे हैं, इग्नू में जो एग्जैक्ट लिखा है हम तो वही पढ़ेंगे, पेपर में वही लिखेंगे। ठीक है, ओके, पहला आएगा अडाप्टेशन, जहां पे रिसोर्सेज जनरेट होंगे, एक्वायर होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सिस्टम सर्वाइव करेगा। देन कम्स गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट जी से, इसका मतलब क्या कि कहते हैं सिस्टम को गोल भी अपने डिटरमिन करने पड़ेंगे, अपने गोल्स डिटरमिन करेंगे, उसके बाद लोगों को मोटिवेट करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, चलो सब लोग काम पे लग जाओ, एनर्जी चैनलाइज करेंगे तो सिस्टम विल सर्वाइव। कहते हैं और हमारे समाज में ये कौन कर रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम कर रहा है, जो पॉलिटी वाले जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ भी, जो पूरा का पूरा सिस्टम हमारी सरकार और ये सभी सिस्टम जो है ये हमें गोल अटेनमेंट दे रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या गोल होंगे वो डिसाइड कर रहे हैं एंड मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, एनर्जी मोबिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं ताकि हमारे गोल अटेनमेंट हो। कहते हैं ऐसा नहीं होगा अगर तो सिस्टम विल अगेन क्रम्बल। एंड देन कम्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है
कि कंसेंसस बनाए रखना, सॉलिडारिटी बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन, सॉलिडारिटी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बिटवीन यूनिट्स, ये कौन कर रहा है? कल्चरल सिस्टम। यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आती है बहुत सारे नोट्स में, यहाँ पे कल्चरल सिस्टम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल यहाँ लिखा हुआ है, तो हम तो इग्नू फॉलो कर रहे हैं। इग्नू में जो लिखा है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पेपर में वही लिख के आया हूँ आज तक, और इसका मुझे लगता नहीं कि कभी नुकसान हुआ है, ठीक है। और मेरे जितने दोस्त हैं जिन और सभी हम यही लिख के आए हैं आज तक, तो ये आप डिस्क्रिपेंसी है, हो सकता है आपके नोट्स में जो अगर आप दिल्ली में किसी कोचिंग सेंटर्स पे पढ़े हो तो ये उल्टा लिखा हो, तो ये लेकिन इग्नू का बात करेंगे, इग्नू में यही लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जब हम यहाँ क्लासेस में पढ़ाते थे तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो दिल्ली के नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज आई बिलीव दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इग्नू में जो लिखा है दैट मेक्स सेंस एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इग्नू जो लिखी गई है वो जो टॉप हमारे देश के सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लिखी है, तो इसलिए मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, ओके। चलो, तो इंटीग्रेशन का मतलब जो सॉलिडारिटी कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनिट्स जो बनाए रखेगा, कि ताकि जो जो यूनिट्स हैं आपस में टूटे ना, उनमें आपस में जो जो एक पर्टिकुलर तरह की जो कॉन्सेंसस रिक्वायर्ड है वो बना रहे। जनरली ये मदर करती है ये वाला काम, जो कि सॉलिडारिटी कोऑर्डिनेशन एक अगर फैमिली को अगर हम एक सिस्टम मान के चलें। एंड देन कम्स लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है जो हिडन एस्पेक्ट है, जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है, हिडन एस्पेक्ट। और ताकि सिस्टम मोटिवेटेड रहे, टेंशन मैनेज रहे। अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक और हमारे जैसे हमारे सिस्टम में समाज में ये सब कौन कर रहा है? फैमिली कर रही है। फैमिली ये सब मैनेज कर रही है, जो इंटरनली जैसे इंडिविजुअल बाहर जॉब से बहुत थका खपा बाहर वापस पहुंचा, उसको कौन समझा बुझा रहा है? फैमिली समझा बुझा रही है। तो अगर आप एक सोसाइटी को एज अ सिस्टम मानोगे तो फैमिली उसमें लेटेंसी वाला काम करती हुई नजर आती है। तो अगर हमने सोसाइटी को ही एक सिस्टम मान के अगर हम सोसाइटी का AGIL करें, अडाप्टेशन इकोनॉमी करती है उसमें, एंड गोल कौन दे रहा है? पॉलिटी। इंटीग्रेशन कौन रख रहा है? कल्चर। एंड लेटेंसी कौन मेंटेन करता है? फैमिली। कि इंटरनल एस्पेक्ट को मैनेज रखना कैसे? फैमिली करती है। और इसके लेटेंसी के आगे दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है पैटर्न मेंटेनेंस एंड एक है टेंशन मैनेजमेंट। पैटर्न मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? कि जो भी सिस्टम जिसको जो रोल दिया गया था, कि ए को लेट से ये रोल दिया गया, बी को ये रोल दिया गया, सी को ये रोल दिया गया, ये सभी अपना काम करते रहे, ये पैटर्न मेंटेन रहे, कॉन्फॉर्मिटी चली रहे, तो इसको कौन काम करता है? ये लेटेंसी का ही एस्पेक्ट है। जिसको लेटेंसी का जॉब दी गई होगी वही पैटर्न मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। दूसरा है टेंशन मैनेजमेंट, कि आपस में टेंशन आ रही है, इनके आपस में तनाव बढ़ रहे हैं, इसके आपस से तनाव बढ़ रहे हैं, इसको कैसे तनाव को कैसे मैनेज करेगा? ये भी वही करेगा इंसान जिसको लेटेंसी की जॉब दी गई होगी सोसाइटी द्वारा, ठीक है। जो कि हमारे केस में हमने क्या देखा, पर्संस क्या मानते हैं? फैमिली को दी गई, ठीक है। तो ये AGIL मॉडल था अपने पास। तो AGIL को आप ऐसे भी बना सकते हो, लेट्स से कि आप AGIL को बनाने का स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, आप एक स्क्वायर बनाते हो, और ये जो बुक्स में भी लिखा है, पार्सन की किताब में भी छपा हुआ है, तो एक कॉर्नर पे आप ए लिख देते हो, एक पे जी, एक पे आई, एक पे एल, ठीक है। और लेट्स से आप करते हो, आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे कि AGIL ऑफ सोसाइटी, कि अगर मैं सोसाइटी का AGIL करके दिखाऊं तो ये दिखेगा। ए वाला काम कौन कर रहा है? इकोनॉमी कर रही है। गोल वाला काम कौन कर रहा है? पॉलिटिकल, पॉलिटी कर रही है। इंटीग्रेशन वाला काम कौन कर रहा है? कल्चर कर रहा है। एंड लिटेंसी वाला काम कौन कर रहा है? फैमिली कर रहा है, ठीक है। तो अब ये AGIL ऑफ सोसाइटी हो गया। एक आपको UPSC ने सवाल पूछा था, आप हमें करके बताइए AGIL ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का AGIL करके बताओ। कोई ऐसे आप वैसे इनोवेटिव अपने अपने आप दिमाग लगाओ और सोच के कर सकते हो। लेट्स से आपने वही बनाना है, पहले आप थोड़ा सा बता दोगे उनको कि क्या होता है, ए जी क्या होता है, आई क्या होता है, एल क्या होता है। आप बोलोगे जी अच्छा जी AGIL ऑफ यूनिवर्सिटी कर रहा हूं मैं, यहां पे नीचे लिख दोगे आप AGIL ऑफ यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा ये तो ना डायग्राम बनाओगे, नीचे एक्सप्लेन भी करोगे। तो ए में लेट्स से जो रिसोर्स कौन जनरेट कर रहा है, रिसोर्स जनरेट कर रहा है, लेट्स से आप लिख दोगे यहां पे कि फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का वो कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सरकारी ग्रांट्स मिल रही हैं, वो पैसा लेके आ रही हैं, बच्चों की फीस उससे पैसा आ रहा है, रिसर्च बिक रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकेगी उससे पैसा आएगा। अडाप्टेशन होगी ना, कि जहां से रिसोर्स जनरेट होंगे जो चलाएगा सबको, जो जैसे कि फाइनेंसिंग हो रही है, कि लेट्स से कोई उधार उठा रहे हैं बच्चे, ग्रांट्स हो रही हैं, फीस पे कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रही है, आपने ए डाल दिया वहां पर। गोल अटेनमेंट, कि गोल कौन डिसाइड कर रहा है कि हमने जाना कहां पर है। जो यूनिवर्सिटीज में जनरली क्या होता है कि बॉडीज बनी होती है ना, जिनको आप क्या बोलते हो,
स्टूडेंट बॉडीज लगा लो, या फिर जो मैनेजमेंट की जो बॉडीज होती हैं वेरियस, वो वाली बॉडीज डिस्कस कर दो यहाँ पर, जो गवर्निंग बॉडीज बोलते हैं जिनको, गवर्निंग बॉडीज, डीन या फिर चांसलर, वाइस चांसलर डिसाइड कर रहे हैं, बॉडीज हैं जो डिसाइड करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं जो गोल डिसाइड करेंगी जो जो यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट करती हैं, इंटीग्रेशन, सब में इंटीग्रेशन, कल्चरल सिस्टम कौन मेंटेन रख रहा है, कल्चर सिस्टम में आप क्या डालोगे यहाँ पर, कल्चर सिस्टम में आप जनरली एक बात लिख सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी का, हर एक यूनिवर्सिटी का कल्चर जो है दैट वेरीज, जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ठीक है, सीनियर और जूनियर इंटरेक्शन, है ना, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन से भी ये काम चल रहा है, और उसके बाद जो वेरियस, जो आप जो लेट से जो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, वो सबको इंटीग्रेट कर, वो कल्चर का पार्टी है, और वेरियस फेस्टिवल्स लग रहे हैं, इंटीग्रेशन का पार्टी है, एंड देन कम्स लेटेंसी, लेटेंसी मतलब कि पैटर्न मेंटेनेंस या टेंशन मैनेजमेंट, उसकी बात वो कौन कर रहा है कि वेरियस, यहाँ पे अगेन आप बातें लिख सकते हो कि वेरियस, लेट से कि कई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इंडिया में भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं बच्चों से बात बात करने के लिए जिनको चिंता हो जाती है ना, काउंसलिंग काउंसलर्स बैठे होते हैं, काउंसलर्स बोलते हैं उनको, काउंसलर मैंडेटरी है हर एक यूनिवर्सिटी में होना, काउंसलर बिठाए होते हैं बहुत सारे जो काउंसल करते हैं लोगों को, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि अगेन यही, ये तो फॉर्मल है, इनफॉर्मल लेवल पे जो जो पीयर टू पीयर जो टॉक हो रही है, पीयर टू पीयर आपस में दोस्त लोग जो बात कर रहे हैं एटसेट्रा, आपकी क्रिएटिविटी पे है, जिस तरह से आप चाहो इसको आंसर को लिखना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पार्सन्स एक बहुत ही मजेदार थिंकर है, और पार्सन्स को जब पेपर में पूछा जाता है तो ऐसे ही इनोवेटिव तरह से पूछा जाता है, आपको बस सिंपल बातें दिमाग में रखनी है, एंड इसको हटा दूं जरा मैं तो, और उसको आप, आपकी क्रिएटिविटी पे टीचर जनरली उसको अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दोगे इट्स ओके, लेकिन लेट्स से कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ऊपर नीचे करोगे तो काम खराब है ना, ये तो क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट है। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि जो ट्रिप जा रहा है किसी कॉलेज का, तो उसको आप इंटीग्रेशन का पार्ट रखोगे, लेटेंसी का कैन वेरी, कोई इसको लेटेंसी का मान सकता है, कोई इंटीग्रेशन का, तो वहां पर टीचर आपकी ऐसी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा वैल्यू भी करते हैं कि हाउ यू जस्टिफाई इट, लेकिन अगर आप किसी स्टैंडर्ड थ्योरी को अगर ऊपर नीचे करोगे तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए पार्सन्स आपको अगर एक बार समझ आया तो इट विल फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, आप करोगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स। तो AGIL जो है आपस में, अगेन अगर मैं ये वाला AGIL बनाऊं, है ना, AGIL बनाऊं, तो पार्सन्स क्या बोलते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ए जी से, जी आई से, ये इससे, ये इससे, ये इससे भी है, ये इससे भी है, एंड ये इससे भी है। तो पार्सन्स के बुक में डायग्राम बना भी हुआ है वाला, तो ये आप दोनों तरफ ऐसे बना सकते हो सिंपली, अगर सिंप्लीफाई करना है तो दैट्स इट, तो ये भी बना सकते हो। तो AGIL आपस में इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है। तो यही अब एक अपने पास एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ पार्सन्स का, वो है साइबरनेटिक, जो एज सच सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि वोट इज साइबरनेटिक हायरार्की, ये प्रीवियस हमारे जो सिलेबस का पार्ट था लेकिन UPSC ने एक बार अभी भी रिसेंटली पूछ लिया था। साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने पढ़ा था ये वाला CSPO, कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम। पार्सन्स क्या बोलते हैं इसमें कि ये एक्शन सिस्टम में आपस में इंटरेक्शन है, CS से बात करता है, SP से, PO से आपस में बातें हो रही हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रही है, एंड एनर्जी, एनर्जी ऑर्गेनिज्मिक वाला एनर्जी बनाएगा, अपने आपको याद है ऑर्गेनिज्मिक वाला सिस्टम एनर्जी बनाएगा, कहते हैं ये एनर्जी बना के कल्चर तक पहुंचाता है, कि आप ऐसा लिखोगे पेपर में बनाओगे तो एनर्जी, एनर्जी गोज अप, एंड जो कल्चरल सिस्टम है ये कल्चर सिस्टम स्टोर हाउस है किसका, कल्चर सिस्टम स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां से इंफॉर्मेशन फ्लोज डाउनवर्ड, क्योंकि कल्चर इज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये गाइडलाइंस रूल्स वगैरह इसके पास ही होते हैं, तो इंफॉर्मेशन फ्लोज डाउनवर्ड्स, और इसीलिए कहते बैलेंस रहेगा एनर्जी और इन्फॉर्मेशन का, सिस्टम सर्वाइव करता रहेगा। ये है साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ जो इन्फॉर्मेशन एंड सॉरी ऑफ कंट्रोल किस तरह से, एंड इसके बियॉन्ड अगर पीछे जाएं क्विकली तो हमने अभी तक हमने आज क्या पढ़ा एक बार देख लो, क्योंकि थोड़ा सा पार्सन्स आपको सबको तंग करता है, लेकिन मेरे हिसाब से पार्सन्स इतना आसान थिंकर है बेचारे को बदनाम किया वो हमने। तो एक्शन सिस्टम पे बात आते हैं, लेकिन क्यों पार्सन्स बोलते हैं कि एक्शन अकेला कोई नहीं होता, कॉन्स्टेलेशंस में ही होते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि आपको कोई भी एक्शन सिस्टम इमेजिन करना है, चार तरह से रियलिटी होगी, CSPO कल्चरल सिस्टम जो नॉर्म्स वैल्यूज गाइडलाइंस देगा, सोशल सिस्टम जो आपस में इंटरेक्शन मुहैया कराएगा, जो फैसिलिटेट कराएगा, पर्सनैलिटी हिडन एस्पेक्ट है, इंटरनल एस्पेक्ट है, इमोशंस वगैरह की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम क्या है, एनर्जी लेकर आ रहा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये, एंड देन उसके बाद करें कि सोशल सिस्टम को इमेजिन करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा सोशल सिस्टम में दो सवाल आपको मैं पहले पूछूंगा, कि पहले उससे पहले पूछेगा पहले सिस्टम बनता कैसे है, वो कह रहे जब चार कंडीशन दे रहे हैं कि कंडीशंस फॉर कंसेप्शन ऑफ सोशल सिस्टम, चार कंडीशंस हैं, सिस्टम बनेगा कैसे, कि दो या उससे ज्यादा लोग हों, कोई गोल अचीव करना हो, कंसेंसस भी हो रोल पर, एंड एक अब्स्ट्रैक्ट बाउंड्री बना ली जाए तो सिस्टम सर्वाइव कर जाएगा, एंड देन
वो कह रहे चलो सिस्टम का फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। वो कह रहे दो सवाल आंसर करने पड़ेंगे पहले कि सिस्टम सर्वाइव कैसे करता है। वो कहते हैं सर्वाइव इसलिए करता है सिस्टम क्योंकि जब भी सिस्टम में कोई अगर सिस्टम है एग्जिस्ट करता है कोई पर्टिकुलर वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है वो आपके कोई नीड्स पूरी कर रहा है नीड्स पूरी होती रहेंगी लेकिन मान लो उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई डिस्टर्बेंस को लेकर फीडबैक इफेक्ट आएगा फीडबैक इफेक्ट को जब अगर आपने ठीक से उसको अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो सिस्टम विल सर्वाइव अदरवाइज सिस्टम विल नॉट सर्वाइव। आप एग्जाम्पल लेके बता सकते हो यहाँ पे इसको मैकेनिकल या मूविंग या मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम फेज बोलते हैं कि आपकी नया इक्विलिब्रियम बन सकता है कि जैसे इंटरनेट एग्जिस्ट करता है उस पर साइबर क्राइम आया क्राइम को काउंटर करने के लिए लॉज आ गए तो न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। जब ऐसा नहीं हो पाएगा सिस्टम विल क्रम्बल सिस्टम विल गो। ठीक है तो हमने ये डायग्राम बना के इसको भी हम पूरा कर सकते हैं। एंड देन कम्स योर सेकंड पार्ट कि सिस्टम कौन से फंक्शन पूरे करता है सिस्टम फंक्शन कहते हैं कौन से पूरे करता है। वो कहते हैं वो वाले चार आपको बातें बताऊंगा पार्सन्स बोलते हैं कि चार बातें बताऊंगा जो सिस्टम पूरी करेगा करेगा अगर नहीं करेगा सिस्टम विल गो। तो इसको हमने क्या बोला रिक्विजिट फंक्शनलिज्म फेज या फंक्शनल रिक्विजिट्स ये मस्ट है सिस्टम के सर्वाइवल के लिए। AGIL मॉडल के नाम से फेमस हुआ ये अडाप्टेशन जो रिसोर्स जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा गोल अटेनमेंट जो गोल्स और डिसाइड करके लोगों को मोटिवेट करेगा चलाएगा उसके लिए इंटीग्रेट करके रखेगा कंसेंसस बनाए रखेगा सॉलिडारिटी सिस्टम के अंदर बनाए रखेगा। एंड लेटेंसी लेटेंसी क्या है कि हिडन एस्पेक्ट है कि जो मोटिवेटेड रहे लोग टेंशन मैनेज रहे फैमिली करती है हमारे उसमें अदरवाइज हमारे उसमें समाज में फैमिली को रोल दिया गया पार्सन्स के हिसाब से। पैटर्न मेंटेनेंस हो रही है इससे जो कि जिसको जो रिस्पांसिबिलिटी दी गई है वो करेगा एंड टेंशन मैनेज हो रही है जो इंटरनली टेंशन आ रही है उसको मैनेज किया जा रहा है। और आपस में हमने इसका डायग्राम देखा AGIL का कैसे रहता है और AGIL ऑफ सोसाइटी किया हमने AGIL ऑफ यूनिवर्सिटी पूछ चुके हैं वो तो पूछ सकते हैं जो भी आपको वहाँ पे आपको बस ये AGIL पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिसोर्स जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन देन गोल अटेनमेंट में आपको गोल अटेन करके मोबिलाइज एनालाइज किया जा रहा है इंटीग्रेशन में आपको बताया जा रहा है कि कैसे सॉलिडारिटी बनाए रखनी है लेटेंसी में कि पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मैनेजमेंट करनी है दैट्स इट। कुछ मर्जी करवाई जाए आपसे सवाल आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो तो इंटर रिलेटेड है एटसेट्रा। एक साइबरनेटिक पे सवाल आया वो एक बारी वो डिस्कस कर लिया क्विकली हमने कि एक्शन सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करता है एनर्जी ऑर्गेनिज्मिक से ऊपर जाती है ऊपर की तरफ ठीक है एंड इंफॉर्मेशन जो कल्चर से नीचे की तरफ आती है दैट्स इट। इसमें बैलेंस मेंटेन रहेगा तो सिस्टम विल कीप सर्वाइविंग। ठीक है दोस्तों तो ये था अपने पार्सन्स के बारे में आज की बात। तो और अगला हम थिंकर जो है जो मर्टन रॉबर्ट मर्टन वो शुरू करेंगे बहुत जल्दी ही और दैट्स इट थोड़ा और रैपिडली शुरू करेंगे अब सोशो कवर करना तो सोशो कवर हो जाएगी फटाफट से नोट्स बनाते रहो। मैं नीचे इसका PDF भी लगा रहा हूँ जैसे हर एक उसके नीचे लगा दिया गया है और तो बाकी सबका क्रिटिसिज्म कंट्रीब्यूशन ये वो हम ग्रेजुअली हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते रहेंगे एक एक को कवर करेंगे तो वो आर्बिट्ररी है पेपर में कोई नहीं पूछता वो हमेशा आपको कंपेयर करते हैं कि मार्क्स का ये वाला आइडिया वर्सेज कंपेयर डर्खाइम का वो वाला आइडिया तो ऐसे कंपेरिजन करेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो वो मेक सेंस अदरवाइज इंडिविजुअली पेपर में नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट।